Hello and namaste everyone. I'm Dr. Neha Mutha. I specialize in general and laparoscopic surgery and I super specialize in proctology in Pune. Today we are here for a special clip. Every day you have heard my patient success stories where they have just praised about the surgeon. But today I want to praise one of my patients. So why a follow-up advice is so important, and if it is followed, how beautifully a patient can recover. Today it's all about that. So I hand over the mic to Azruddin. Well, जैसे मैं पहले मैडम नेहा मुक्ता मैडम से मिला तो आपने समस्या का आपको बताया, जैसे कि मुझे पाइल्स फिशर थे और ये चीजें बहुत आम आदमी के लिए बहुत हाइजीनिक होती है जो बता नहीं सकते, और इस चीज में मैंने अपने आप में पाया कि मेरे को जो पाइल्स सिस्टम है वो थर्ड ग्रेड का है। जैसे मैं मैडम से मुलाकात में मेरे को बातचीत में मान पड़ी, फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया सर्जरी। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं इससे पहले भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सर्जरी एकदम फ्रैंकली हुई जो कि पेनफुल नहीं थी, उसके बाद जो है थोड़ा सा पेनफुल है जो एक 15 डेज वे बताते हैं आमतौर में डॉक्टर। अगर हमने उनके जो इंस्ट्रक्शन किए बताए हुए इंस्ट्रक्शन और प्रॉपरली डाइट हम फॉलो करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं, वो तो 50 डेज के बिलो ध्यान में रिकवर हो सकता है। और वही एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरी सर्जरी थी कुछ 25 मार्च, तो उसके बाद मैं आज उसके बाद मैं 30 डेज में ही मैंने पूरी रिकवरी कर ली। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को ये समस्या है तो तुरंत ही आप अपने न्यायमान से मिले या फिर कोई ऐसे सर्जन से मिले जो इस चीजों को समझता है। ऑलमोस्टली एवरीवन सेज आयुर्वेदिक इज बेटर, पर इस चीज को भी एक्सपीरियंस करो कि एक्चुअल क्या है। अगर आप प्रॉपर तरह से डाइट वगैरह मेंटेन करते हो या फिर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन करते हो तो मिनिमम बिलो डेज में आप रिकवर हो सकते हो और प्रॉपरली आप सर्वाइव कर सकते हो। और वही एक्सपीरियंस आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं 13 दिन में रिकवर किए और मैं प्रॉपरली सर्वाइव भी कर रहा हूँ। मैं भी ऑफिस वर्क करता हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियर के होकर, और आज मैं गाड़ी भी चला के आ रहा हूँ। बाइक मेरे चलाई 5 दिन के भीतर ही। That's amazing. पर सबसे इम्पोर्टेंट बात लेकिन हमको आगे क्या कर रहे हैं वो है लिखो लिया। इन्होंने नोट्स बनाए हैं, दिस इज व्हाट आई रियली लाइक्ड। इन्होंने नोट्स बनाए हैं राइट कि इनको तकलीफ क्या थी, इनके ओपीडी पर जो मैंने इनको डायग्नोसिस दी उसके बारे में, उसके बाद इनकी सर्जरी के बारे में इन्होंने नोट्स बनाए कि ये सर्जरी हुई मेरी इस डेट पे। उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि मैंने क्या क्या एडवाइस दिया था, उन्होंने बहुत केयरफुली उसे सुना और सिंसियरली उसे फॉलो किया। आई एडवाइज हिम टू एड योगर्ट एंड दही, सो ही इज मेड एवरीथिंग व्हाट वाज द रूट कॉज एवरीथिंग दैट आई एक्सप्लेन टू हिम इन द ओपीडी कंसल्टेशन एंड देन द सर्जरी रिव्यू। This is my first time experience. All team have good bonding. They take care of the patient's emotions. If the patient is scared, the position, they motivate the patient on table. Itna unhone apne observations bhi dale. So I really think this is very helpful for other patients. Also as a take home message, ki puri jo aapki surgery ki treatment hoti hai, it's a very cakewalk. It's an advanced procedure. Bahut jaldi aap recover hote ho. पर इसमें पूरा श्रेय कभी सर्जन का नहीं होता। इसमें आई बिलीव अगर 80% आप सर्जन को क्रेडिट देते हो तो 20% पेशेंट का क्रेडिट है, जिसमें उन्होंने अपने सारी चीजें लिखी हुई है कि उन्होंने क्या क्या एडवाइस सही से फॉलो करा है। हेंस जो रिकवरी एज अ सर्जन मुझे इनमें फोर वीक्स के बाद दिखनी थी, मुझे हाफ द टाइम दैट इज विद इन 2 वीक्स मुझे दिख रही है। दैट इज द मैजिक ऑफ फॉलोइंग द सर्जन्स एडवाइस रिलीजियसली। And also he has put down his questions that he is going to ask me today at the follow-up. So as a surgeon, mera ye story hai ki I really appreciate, I applaud such patients.
जो खुद की रिकवरी, खुद की सर्जरी को, खुद की कंडीशन को सीरियसली ले, उसके ऊपर एक्शन ले, ट्रीटमेंट का सही टाइम पे, एक्सपेरिमेंट ना करे अपने हेल्थ के साथ, और जब हम एडवाइस दे रहे हैं उसे रिलीजियसली ये फॉलो करते हैं. सो दिस मेक्स मी एज अ सर्जन ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंक यू अजरुद्दीन फॉर फॉलोइंग द एडवाइसेस सो नाइसली एंड कमिंग बैक विद सच अ ब्यूटिफुल स्माइल. सो पेन टू स्माइल इज द जर्नी दैट आई सॉ हिम इन हिम. मैडम से थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मेरे को इतना अच्छी तरह समझा कि भाई ये चीजें कर पाया हूँ. शुरुआती दौर में कोई भी एग्री नहीं होता, लेकिन जब चीजों को समझ में आता है ना, तो ऑब्वियसली मैं नया मैम को काफी थैंक्स कहना चाहूंगा. It was nice and I hope that me and Azruddin never meet again. yeah.